दोस्तों आप भी अगर सस्ता रेट में अच्छा होटल रूम बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में ओयो एप्लीकेशन से होटल रूम बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का हमने खास ध्यान रखा है ताकि आप पैसे का भी बचत कर पाए। रिसेंटली हमने एक कंपेयर वीडियो बनाया था जहां पे 12 एप्लीकेशन को हमने इंक्लूड किया होटल बुकिंग के लिए, उसमें से सबसे बेस्ट ओयो निकल के आया था। तो चलिए इसी एप्लीकेशन से आज होटल बुक करके लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करते हैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। पहली बार मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आप यहां पे लॉगिन हो जाएंगे। हालांकि इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में भी दे दूंगा। जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करते हैं उसके बाद फुल नेम यहां पे डाल देना है, ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है जहां पे सर्च वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पे एंटर करना है कि किस सिटी में आपको होटल रूम चाहिए, किस जगह पे चाहिए। तो यहां पे मैं टाइप कर देता हूं पटना और पटना आ चुका है। पटना के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब देख लीजिए अगला यहां पे आ रहा है किस डेट को आपको होटल रूम चाहिए। यहां पे देख लीजिए टुडे आ रहा है, वन नाइट, टुमारो। जैसे ही आप टुमारो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहां पे कैलेंडर खुल के आ चुका है। डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके लिए पहले चेक इन डेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद चेकआउट डेट के ऊपर मैं जा चुका हूं और यहां पे 18 तारीख हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि एक दिन के लिए हमें रूम चाहिए। और अगला आ जाता है रूम एंड गेस्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जहां पे रूम हमने एक सेलेक्ट किया है और एडल्ट आप 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग जाना चाहते हैं वो नंबर आपको यहां पे एंटर कर देना है। और एड अनदर रूम के ऊपर क्लिक करके आप और भी रूम एड कर सकते हैं। देख सकते हैं रूम 2 यहां पे आ चुका है। यहां पे गेस्ट 1, गेस्ट 2 भी कर सकते हैं। इसे मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूं। अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। फिर से अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देख लीजिए यहां पे टोटल 92 होटल रूम का यहां पे ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमें तो किसी एक को ही बुक करना है। तो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कौन सा होगा, इस चीज को फाइंड करने के लिए इस पेज के ऊपर 3 चीज हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो आप लोकेशन का ध्यान में रखेंगे कि मान के चलिए किसी शहर में आप फ्लाइट से उतर रहे हैं या आप ट्रेन से उतर रहे हैं या आप हाईवे से क्रॉस कर रहे हैं और आपको होटल रूम चाहिए, तो एक बार आप एग्जैक्ट लोकेशन गूगल के ऊपर चेक करेंगे कि आप कहां पे उतर रहे हैं, होटल रूम वहां से कितना दूर है। इसके लिए हम सॉर्ट करेंगे। पहले सॉर्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहां पे देख लीजिए प्राइस लो टू हाई, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, यानी कि सबसे सस्ता वाला जो होटल होगा वो सबसे ऊपर में आ जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं 750 रुपया हो गया, 518 रुपया हो गया, 761 रुपया हो गया, इतने में हमें होटल मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि सस्ता के चक्कर में खराब रूम हमें ना मिल जाए, इसके लिए अच्छा रेटिंग वाला हम रूम खोजेंगे, यानी कि सस्ता के साथ साथ अच्छा भी होना चाहिए। इसके लिए फिर से हम जाएंगे सॉर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे गेस्ट रेटिंग के हिसाब से मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, यानी कि जिसका रेटिंग ज्यादा होगा और वो सस्ता होगा वही होटल रूम पहले हमें दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो गया और अच्छा रेटिंग वाला होटल हमारे सामने आ चुका है, 910 रुपए में है। आगे स्क्रॉल करते हैं तो देख लीजिए 850 रुपए में है। सबका रेटिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं, 568 लोगों ने रेट किया है, 762 लोगों ने रेट किया है और प्राइस 19-20 का फर्क है। यहाँ पे देख सकते हैं 710 रुपए में होटल मिला, 602 रुपए में होटल मिला है, ज्यादा रेटिंग वाला ये सब रूम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ रहा है कि आखिर कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा हमारे लिए सस्ता रहेगा। इसके लिए 3 चीजें आपको इस पेज के ऊपर ध्यान में रखना है। सबसे पहला ध्यान में रखेंगे लोकेशन का। आखिर मान के चलिए किसी शहर में आप फ्लाइट से उतर रहे हैं या आप ट्रेन से उतर रहे हैं या आप बस से उतर रहे हैं या आप हाईवे से क्रॉस कर रहे हैं और आपको वहां पे रूम चाहिए, तो सबसे पहला चीज आप लोकेशन का ध्यान रखेंगे कि होटल का डिस्टेंस और आप जहां उतर रहे हैं वहां का डिस्टेंस कितना है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। दूसरा चीज आप ये ध्यान में रखेंगे कि प्राइसिंग सही है या नहीं, मान के चलिए आपके नीड के अकॉर्डिंग प्राइस आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। और तीसरा चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिल्टर लगा लगा के बढ़िया और अच्छा रेटिंग वाला होटल को फाइंड करेंगे। तो अब मैं मान के चलता हूं इस होटल को बुक करने का हमारा फाइनल डिसीजन हो चुका है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और बुकिंग करने का प्रोसेस देखते हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया इस होटल के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है, ठीक है। रिव्यू वगैरह आप पढ़ सकते हैं, 5 स्टार का रेटिंग है, ठीक है। चलिए बुक नाउ एंड पे एट होटल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि बुकिंग अभी हो जाएगा और पेमेंट होटल के ऊपर जाकर के करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए बुकिंग आई थिंक हो गया है, ऐसा बता रहा है, योर बुकिंग कंफर्म, और ये काफी फास्ट यहाँ पे बुकिंग हो चुका है। डिटेल वगैरह हमने देखा ही नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं बुकिंग आईडी आ चुका है, रूम भी आ चुका है, गेस्ट भी आ चुका है, चेकिंग टाइम और चेकआउट टाइम भी यहाँ पे आ चुका है। चलिए दोस्तों बुकिंग करने के बाद बुकिंग डिटेल देखने के लिए बुकिंग वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं होटल का पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, कॉल भी कर सकते हैं, होटल का नंबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पेमेंट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मैं इस बुकिंग को कैंसिल करना चाहूंगा क्योंकि सिर्फ डेमो डाटा के लिए मैं आपको दिखा रहा था, ये मुझे एक्चुअल में अभी जरूरत नहीं है। तो कैंसिल करने का भी तरीका देख लीजिए, 1 मिनट के अंदर अंदर स्क्रॉल करके सबसे एंड में आते हैं तो कैंसिल बुकिंग का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर देना है और आपको कैंसिल बुकिंग के ऊपर क्लिक करना है और ये देख सकते हैं कैंसिलेशन हमारा कंफर्म हो चुका है। देखिए दोस्तों आप बात करते हैं क्या ऑनलाइन होटल बुक करना सही है
क्या ऑफलाइन में सस्ता नहीं मिल सकता है? तो इस पॉइंट के ऊपर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे जगह होते हैं, मान के चलिए कोई टूरिस्ट पैलेस हो गया, वहां पे रूम मिलना मुश्किल है, तो वहां पे आपको एडवांस ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। ऑफलाइन का तो कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑफलाइन बुक करने का। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, कई बार कोई नया होटल वेबसाइट के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर लिस्ट करता है, तो मान के चलिए उसका एक्चुअल प्राइस अगर रूम का 3000 है, तो वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर 2000 या 2500 में वो लिस्ट करता है, क्योंकि वो वेबसाइट के थ्रू पॉपुलैरिटी लेना चाहता है। और वेबसाइट के थ्रू अगर हम बुक करते हैं तो बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन के साथ साथ हमें डिस्काउंट मिल जाता है ज्यादा, जो कि एक्चुअल रूम 3000 का है, तो ऑनलाइन बुक करते हैं तो 2000 में हमें मिल जाता है। तो ये चीज कंफर्म करने के लिए जो 3000 का रूम है वो हमें 2000 में मिल रहा है या 2000 का रूम है वो हमें 3000 में मिल रहा है, इस चीज को कंफर्म करने के लिए मेरे हिसाब से जब भी आपको किसी होटल रूम बुक करने का फाइनल डिसीजन हो जाता है, तो उस होटल का नाम आप गूगल पे सर्च करेंगे, मोबाइल नंबर निकालेंगे, उसको कॉल लगाएंगे, बोलेंगे कि ऑनलाइन इतना दिखा रहा है, आप ऑफलाइन में कितना में दे सकते हो, तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि आपको ऑनलाइन सस्ता पड़ेगा या आपका ऑफलाइन में सस्ता पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर आप इतना रिसर्च करते हैं तो आपको अच्छा डील यहाँ पे मिल सकता है, अच्छा प्राइस मिल सकता है। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से रिव्यू ज्यादा मैटर करता है, ज्यादा रिव्यू वाले होटल को ही आप अप्रोच करें। आप भी कुछ इस तरीके से सस्ते रेट में ओयो एप्लीकेशन से होटल रूम बुक कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार।